विदिशा के युवा पीयूष निमोदा ने बुलेट मोटरसाइकिल से 15 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। विदिशा के युवा पीयूष निमोदा ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अकेले बुलेट मोटरसाइकिल से प्रारंभ की। सबसे पहले सोमनाथ, गुजरात, मल्लिकार्जुन और आखिर में केदारनाथ, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर वापस विदिशा लौटे। वापस लौटने पर वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण दंडोतिया एवं उनके मित्र मंडल द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और यात्रा का वृतांत पूछकर सुनकर वीडियो रिकॉर्ड किया गया। विदिशा के इस युवा की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कालेश्वर की, घृतनेश्वर की, वैजनाथ धाम की, मल्लिकार्जुन की, रामेश्वर महा। आपकी कौन सी तारीख को आपने यात्रा जो है शुरू की थी आपने? मैंने 3 तारीख को यात्रा शुरू की। कहाँ से की थी? मैं यहाँ से विदिशा से निकला था ओंकारेश्वर के लिए। कहाँ से होकर गए थे? ओंकारेश्वर होते हुए, आष्टा होते हुए। तो उस दिन जो है ओंकारेश्वर पहुँचे आप जी, दर्शन किए, उसके बाद फिर मैं रात को ही निकला था महाकालेश्वर। अच्छा, उसी दिन रात को। हाँ। अच्छा, तो रात को रात्रि विश्राम वहाँ किया उज्जैन। हाँ, महाकालेश्वर में दर्शन हो गए थे आपके। उसके बाद फिर कब चले आप वहाँ से? मैं सुबह चला 10-10:30 के आसपास, फिर नागेश्वर के लिए निकल गया। कब पहुँचे वहाँ नागेश्वर? मैं नागेश्वर पहुँचा था रात को 3 बजे। रात को 3 बजे। कितने किलोमीटर दूर है वहाँ से? 980 कुछ किलोमीटर। अच्छा, वहाँ से उज्जैन से। अच्छा, नागेश्वर पहुँचे रात को 3 बजे। कहाँ रुके आप? वहाँ मैं एक धर्मशाला में रुका था, नागेश्वर जी दस्त पीछे ही। कैसी धर्मशाला थी वो? वो थोड़ी भयानक टाइप की धर्मशाला थी। उसमें मतलब कोई भी नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था, ना गार्ड था ना कुछ था। वो तो एक भैया मिले वहाँ पे, वहीं रहते थे। हाँ हाँ, टापू पे। तो हाँ। फिर करवाया अरेंज मेरे को, और मैं वहाँ रुका। अकेले रुके धर्मशाला में? धर्मशाला में। अच्छा, खाना पीना कहाँ हुआ? फिर खाना तो मैंने तब खाया नहीं था, मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई थी वही मैंने खा ली थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सुबह सोमनाथ के लिए निकल गया था दर्शन करके नागेश्वर। कितना दूर है वहाँ से? सोमनाथ है वहाँ से 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, 400 के आसपास। तो वहाँ रात को सोमनाथ में रुके? हाँ, फिर सोमनाथ नहीं नहीं सोमनाथ से फिर मैं निकल गया था। सोमनाथ से कहाँ निकले फिर आप? मैं त्र्यंबकेश्वर के लिए निकला, तो बीच में मैं एक जगह रुक गया। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर कब पहुँचे आप? त्र्यंबकेश्वर फिर मैं अगले दिन पहुँचा। अच्छा अच्छा, अगले दिन मैं रात्रि में पहुंचा। हाँ हाँ, फिर मैंने रात्रि में दर्शन करे त्र्यंबकेश्वर में। हाँ हाँ, फिर सुबह भी दर्शन करे मैंने। हाँ हाँ, सुबह दर्शन करके फिर मैं निकला घृणेश्वर के लिए। फिर घृणेश्वर में? अच्छा, त्र्यंबकेश्वर में दर्शन किए रुके हो गए बात हो। हाँ, वहाँ रुका था। ज़्यादा टाइम रुके आप जी त्र्यंबकेश्वर में? हाँ, त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा समय रुका, सुबह दर्शन करके मैं घृणेश्वर निकल गया। अच्छा, वहाँ से वहाँ कितने घंटे का रास्ता है घृणेश्वर? घृणेश्वर 6 घंटे के आसपास का। अच्छा, 6 घंटे। ज़्यादा दूर नहीं था, मगर हाँ तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था। हाँ, तो फिर मैं शाम तक पहुँचा। औरंगाबाद के पास है वो तो घृणेश्वर जी। अच्छा, फिर वहाँ से कहाँ गए आप? फिर वहाँ से मैं भीमा शंकर के लिए निकल गया रात को। रात को कितने? हाँ। बजे? 7 के आसपास निकला था। तो मैं रात को 11 बजे के आसपास एक जगह रुक गया था। अच्छा अच्छा, फिर वहीं मैंने विश्राम किया। अगले सुबह मैंने भीमा शंकर पहुँचा, फिर भीमा शंकर में दर्शन किए सुबह के वक्त। भीमा शंकर कितना दूर था वहाँ से? अंदाजन 300 ज़्यादा ही था। अच्छा, फिर सुबह मैं निकल गया रामेश्वरम के लिए। अच्छा, वहाँ से? हाँ, तो रात को मैं करीब 4-5 बजे के आसपास मैं बेंगलोर पहुँचा। अच्छा अच्छा अच्छा, रात हो गई थी मतलब, क्योंकि रास्ते में बारिश हो गई थी, तो मुझे वहीं पे देखना पड़ा कहाँ मैं रुक सकता हूँ बारिश से बचने के लिए। हाँ, तो वहीं मैं पेट्रोल पंप के सामने ही रुका रहा। हाँ, जो पेट्रोल पंप की छत रहती है उसके नीचे। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद मैं सुबह जल्दी निकला और बेंगलोर जाके फिर मैंने मेरा भैया के घर रुका, वहाँ जाके मैंने अपने हाथ मुँह धोए, नहाया और फिर मैं निकल गया रामेश्वरम। वहाँ से वो कितना दूर था रामेश्वरम? रामेश्वरम फिर मैं सुबह ही पहुँच गया था। अच्छा अच्छा, सुबह शायद शाम के आसपास पहुँच गए, दोपहर हो गई थी। फिर मैंने रामेश्वरम में दर्शन किए अगले सुबह। अच्छा, अगले सुबह मैंने दर्शन किए, फिर मैं धनुषकोटी गया। मुंदा जी इधर आओ। अरे हाँ, फिर मैं धनुषकोटी गया। फिर धनुषकोटी के बाद फिर मैं मल्लिकार्जुन निकला। अच्छा अच्छा,
वहाँ मेरी रामेश्वरम में एक भैया से भेंट हुई थी, श्रीनिवासन भैया से। हैं? श्रीनिवासन नाम का उनका। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। उन्होंने फिर मेरे को आगे मदद की बाकी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उनके थ्रू थोड़ा जल्दी मुझे दर्शन हो गए थे। तो फिर मैं मल्लिकार्जुन पहुँचा, मल्लिकार्जुन मैंने दर्शन किए, फिर मैं उसी दिन निकल गया वैद्यनाथ। अच्छा, उसी दिन। अच्छा अच्छा। फिर सुबह में मैं रात के आसपास मेरी गाड़ी पंचर हुई, फिर मैं जंगल में थोड़ा फंस गया था, फिर मैंने थोड़ा आगे स्टे कर लिया था। तो जंगल में ही? नहीं, जंगल के थोड़ा सा आगे। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों ने मेरी मदद की थी वहाँ पे। अच्छा। फिर बाकी मेरे पास किट वगैरह थी, पंचर वगैरह सब करने की। अच्छा। मैंने उसको थोड़ा ठीक करके मैं चला गया पंप वंप से। अच्छा, खुद ने ठीक कर दिया? हाँ। बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों ने मदद भी कर दी थी। अच्छा अच्छा। फिर मैं वैद्यनाथ गया, वैद्यनाथ से मैंने दर्शन करके काशी विश्वनाथ के लिए निकला। तो मैं 7 बजे के आसपास काशी विश्वनाथ पहुँचा था। पहुँच गए थे? वहाँ मैंने दर्शन किए, फिर दर्शन करने के बाद फिर मैं रात को ही निकला था वहीं से। थोड़ा सा आगे रुक गया था मैं। अच्छा, वहाँ काशी में नहीं रुके? काशी में, एग्जैक्ट काशी में नहीं रुका, थोड़ा सा बाहर बाहर काशी, जस्ट 1 या 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। रेडियस में। हाँ हाँ। फिर काशी के बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे थोड़े होटल्स वगैरह सही नहीं थे काशी।